ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରୋକ। ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଲକାତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ୍ରିପୁରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ସାତ ଗିରଫ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚିନ୍ମୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଓକିଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଜାନୁଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିବେ ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ମୟକୃଷ୍ଣ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନ ଘଟଣାରେ ଅଲ୍ ତ୍ରିପୁରା ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିପୁରା ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ ସହ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବିରୋଧ ରାଲି ସମୟରେ ଅଗରତାଲାରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହାଇ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଂଲାଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଗୌହାଟୀ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। भारत सरकार से एक मांग पत्र दे रहे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये मुद्दा को उठाएं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी दुकान कारखानों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसकी चिंता करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार मिलकर के बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुओं का हो रहे जो नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में अपनी बात रख रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से संवैधानिक नियमानुसार हिंदुओं को, बांग्लादेशी हिंदुओं को संरक्षण और सुरक्षा देने का कार्य तत्काल करें। अन्यत्र स्थिति में भारतवर्ष का हिंदू अब आक्रोश में है। जिस तरीके से जन सैलाब आज आप हिंदुओं का देख रहे थे, ये मानवता के ऊपर प्रतिघात है। स्थिति को दृष्टि में रखी इंडो बांग्ला बॉर्डर रे सुरक्षा बढ़ाई दिया जाएगी। दिन को दिन परिस्थिति अनायत होता बेले बांग्लादेश रे चिन्मयकृष्ण को वकील रेमन राय को ऊपर आक्रमण घटना हिंदुओं को असंतोष बढ़ाई। ଚିନ୍ମୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଣାଣିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଓକିଲ ରେମନ ରାୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ନେତା ତଥା ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିନ୍ମୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି 2 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏଁ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रबल प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मयकृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनके उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना, उनको इनके घरों पर आक्रमण हुआ, उन लोगों की पिटाई हुई, तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको न्याय मिल सकता है और लोग भी उनका पक्ष में आने में डरेंगे। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि उनके एडवोकेट को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते कि जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के बारे में बात होती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज अगर देखें तो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो होने जा रहा है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है और भारत का मुसलमान इसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। बांग्लादेश रे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण घटना को गंभीरता से नहींचंती भारत सरकार। बांग्लादेश रे हिंदुओं को सुरक्षा करबा बांग्लादेश सरकार को दायित्व बोली लोकसभा रे विवृति रखिथिले वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। बांग्लादेश रे हिंदू संख्या लघुंक समस्या ऊपर तीक्ष्ण नजर रखिछंती भारतीय हाई कमिश्नर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।